अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो आज वैसे हमने दोबारा नर्सरी पे विजिट करना था, वहाँ पर जोन जोन से फ्रूटिंग प्लांट्स अवेलेबल हैं या जोन जोन से वहाँ पर इंडोर प्लांट्स भरे हुए हैं। अभी वैसे सीज़न आउट है तो कोई इतने फ्लावरिंग वगैरह वहाँ पर नहीं होगी, कोई इतनी डेकोरेशन नहीं होगी और ना ही कोई सब्ज़ी वगैरह लगी हुई है, लेकिन फ़िलहाल वैसे ही हमने कहा चले जा रहे हैं तो एक व्लॉग बना लेते हैं। तो ये मेरे साथ मेरे कज़न हैं, ये जैद है, जैद इकबाल, और ये पीछे इसका भाई हाशिम इकबाल। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मेरे कज़न हैं, तो इनको मैंने मना लिया था अपने साथ जाने के लिए। आपको वहाँ जा के दिखाते हैं, वैसे थोड़ा सा ही रास्ता रहेगा, कोई 10 से 15 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं नर्सरी में पहुँच गया हुआ हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोरग्रीन नर्सरी का बोर्ड लगा हुआ है, और ये बैक पे देख लेते हैं, ये सीधी रोड जा रही है गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ, ठीक है, और 1 से 1.5 किलोमीटर की फासला होगा, इससे ज़्यादा फासला नहीं है। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको ये जगह याद होगी, यहाँ पर ये सारे इंडोर जो प्लांट्स हैं वो हैंगिंग में लगे हुए हैं और ये सेमी शेड में भी लोग रखते हैं। और ये सामने मेरे फादर बैठे हुए हैं जिनको माशाल्लाह हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की बहुत नॉलेज है। अब यहाँ से ये सारे ग्रीन शेड स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें इस शेड के अंदर कैन पाम्स लगे हुए हैं, और ये लेफ्ट जो शेड है ये पहले भी आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा है, जिसमें सिंगोनियम और इसके अलावा जो भी इंडोर प्लांट्स की वैरायटी है वो सारी यहाँ पर लगी हुई है। और ये पपीता जो लगा हुआ है ये ताइवान का 786 नंबर है, इसकी अपनी बहुत स्पेक्स हैं जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, तो इसके लिए स्पेशल एक नई वीडियो बनाएंगे। ये अंजीर लगी हुई है और ये अंजीर फ्रूटिंग पे है, ठीक है, ये तुर्किश ब्राउन फिग है और ये तकरीबन को 3.75 इंच मोटी होती है। ये रेड लीफ एडीनियम है, रेड लीव्स होते हैं इसके और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी करता है, इसके कोडेक्स भी बहुत प्यारे बन जाते हैं। इसके अलावा ये एक नोवा एसपी के नाम से हमारे पास वैरायटी आई थी, ये काफ़ी नीडल लीफ भी इसको कहते हैं हम तो आम जुबान में, तो ये इसके पतले पतले पत्ते होते हैं। और जो बाकी ये सारे आप देख रहे हैं इसमें मिक्स लगे हुए हैं, कुछ ग्राफ्टेड हैं कुछ ओबेसिकम है। इसके साथ ही इन्होंने जो है एडीनियम की सीडलिंग्स तैयार की हुई हैं। यहाँ पर ओबेसिकम एडीनियम को ग्राफ्ट किया हुआ है और ऊपर नंबर्स लगे हुए हैं, तकरीबन कोई 15 वैरायटीज हैं इनके पास। एडीनियम के ऊपर जो फलियाँ लगी हुई हैं ये एडीनियम सीड तैयार कर रहा है अपना, और इसी सीड से आप आगे इसकी सीडलिंग बना सकते हैं, ठीक है। और ये आपने सीड निकालना कब है, इसका बेस्ट टाइम ये होता है कि जब आप देखें कि फली ऐसे फट चुकी है, ये देखें ये फली खुल चुकी हुई है, ठीक है, तो जब ये फट जाएगी तो आप इसमें से ये इसका सीड निकाल सकते हैं। ये इसका सीड तैयार हुआ हुआ है, ठीक है, ये मैं ऐसे करूँगा तो ये देखें ये इसका सीड मेरे हाथ में आ गया। तो यहाँ पर अब आपको एयर लेयरिंग का तरीका बताते हैं कि हम अपनी नर्सरी पर एयर लेयरिंग किस तरह से कर रहे हैं। तो चाकू से पहले इन्होंने जो टहनी है उसको राउंड शेप में थोड़ा सा टक लगा दिया है, और ये दो जगह पे लगाएंगे, एक यहाँ पर और एक दूसरी साइड पे इन्होंने लगा दिया हुआ है पहले ही। अब इन दोनों को आपस में एक चीरा दे के मिला लेते हैं, यानी कि एक लाइन, और इस तरह से आप करेंगे तो ये पूरी छाल उतर जाएगी, और थोड़ा चाकू से इसको रगड़ लेंगे। उसके बाद आप थैली के अंदर मिट्टी या फिर पीट मॉस ले सकते हैं और उसको ऐसे सेंटर से फाड़ना है कि जो आपकी जो भी आपने सोयल यूज़ की है वो उस पोर्शन को जहाँ से आपने उस छाल को छीला था उसको अच्छे से टच कर ले, और इसको टाइटली आप बाउंड कर देंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइटली, यानी कि आपने पैक करना है कि जैसे कह लें एयर टाइट हो जाए। उसके बाद इसको कोई 1 या 1.5 महीना लग जाएगा यहाँ से रूट्स जनरेट करने में, और जैसे ही इसकी रूट्स जनरेट होंगी इसको पीछे से रख के शाख को काट दिया जाएगा और मिट्टी में लगा दिया जाएगा, ज़मीन में लगा दिया जाएगा। ये कौन सी वैरायटी है? वैरायटी है तकरीबन कोई 800 से 1000 के ग्राम का एक अमरूद होता है। ये आप अभी भी साइज़ देख सकते हैं कितना भरा है, इस पे फल लगा हुआ है, तकरीबन कोई 800 ग्राम या 1 किलो तक का इसका साइज़ होया था फ्रूट का।
और ये जो अभी इन्होंने वैरायटी पकड़ी है ये शायद थाई पिंक है, ये मेक्सिको गावा। अच्छा ये मेक्सिको गावा थाई पिंक, ये थाई पिंक है, ये थाई पिंक है। और ये आप काटते हैं तो अंदर से पिंक होता है और बाहर से ग्रीन होता है और मीठा होगा, और ये काफ़ी मीठा होता है। और फल आप देख सकते हैं कि भर के लगा हुआ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गुच्छे लगे हुए हैं फल के यहाँ पर। ये मेक्सिको गावा लगा हुआ है, वो एयरलेरिंग हुई है सारी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये मेक्सिको गावा की एयरलेरिंग हुई हुई है। तो अब हम आ गए हैं ये ब्लैक गावा की तरफ, जो थाईलैंड की ही एक ब्रीड है गावा की। और ये भी आप माशाल्लाह देख सकते हैं कितना फल से बड़ा हुआ है। और ये भी काट के दिखा देते हैं कि अंदर से किस तरह का होता है। ये फुल डार्क रेडिश कलर है इसका अंदर से, और ये वैसे ज़्यादा मीठा नहीं होता लेकिन काफ़ी कह लें क्रिस्पी टाइप का होता है। जो लोग कच्चे अमरूद खाना पसंद करते हैं उनको ये काफ़ी पसंद आएगा। ये एयरलेरिंग वाला पौधा कितनी देर बाद फल उठा लेता है? एक साल ले लेता है। और अगर बीज से लगाएंगे तो? दो साल ले लेता, ठीक है। इसके साथ ये कोई थाई पिंक वैरायटी लगी है, हैदराबादी है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम आ गए हैं, एक वेरिकेटेड गावा है जो कि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है। और काफ़ी खूबसूरत इसका फल है, ये देख सकते हैं ये लाइनिंग के अंदर है, ठीक है। ये लाइनिंग जैसे एक स्क्वैश होती है ना, सेम वैसा फील हो रहा है, ये देख सकते हैं। अच्छा, तो अब गर्मी काफ़ी हो गई है, मुझे भी पसीने से बुरा हाल हो रहा है। तो ये आपको लास्ट एक फ्रूट दिखा देता हूँ, मैंने भी इस टाइम यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही देखा है, क्योंकि पहले पीछे पौधों में छुपा होता था, मेरी यहाँ नज़र नहीं पड़ती थी। तो मुझे अब यहाँ पर फ्रूट लगा नज़र आया, तो मैं यहाँ काफ़ी चीज़ों को फैलांग कर इस तक पहुँचा बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, बल्कि ये आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े साइज़ के फ्रूट्स हैं। और इसको वैसे पमीलियो कहते हैं, ये ग्रे फ्रूट नहीं है, ये पमीलियो है जो कि थाईलैंड के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। और ये सिट्रस की ही एक ब्रीड है, ठीक है, सिट्रस फैमिली में से है। और ये यहाँ पर एयर लेयरिंग के ज़रिए तैयार किया जा रहा है, सीड से नहीं लग रहा, ताकि फ्रूटिंग जल्दी आए। और एयर लेयरिंग के बाद भी एक से डेढ़ साल ये ले लेता है, ठीक है। एयर लेयरिंग उस तरह ही करेंगे कि हवा में जिस तरह शाख को छील देते हैं, उसको ब्लेड से थोड़े से यानी कि थोड़ा सा रफ़ कर लेते हैं, और उसके बाद उसको पीट मोस या कह लें मिट्टी से बांध देते हैं। गाड़ी में बैठे हैं और इनका दिल नहीं कर रहा, गर्मी बहुत लग रही है इन्हें, तो गाड़ी में बैठ के चिल करना चाह रहे हैं ताकि इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। और हाशिम साहब यहाँ पर जाजू आने की तैयारियाँ कर रहे हैं। ये ना ये आएगा शॉर्ट में, क्यों नहीं आएगा। का दोस्त, हमने पुंडी काफी कर ली दो दिन की, अब हम वापस जा रहे हैं पौधों की पुंडी। अच्छा, तो अब हमने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर ली है और काफ़ी कुछ आपको दिखा भी दिया वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियोस जो भी यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बनाई है, जो कि फ्रूटिंग प्लांट्स के ऊपर थी, और यहाँ पर मेरे फादर ने भी यानी कि थोड़ा कंट्रीब्यूट किया था मेरी वीडियोज़ के अंदर, जिसके अंदर गावा की दो तीन टाइप्स हैं जो कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन की हैं वीडियो में। तो वो भी आपको इस ब्लॉग के बाद अपलोड कर दूंगा और आप वो भी देख सकते हैं। बाकी अब यहाँ से हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी अलविदा कहते हैं, अल्लाह हाफिज़।